After so long, so hey students, I'm your educator Nikita Kargeti. So in this video, we will talk about SEAS 2023 exam. As you all know that SEAS जो exam है 2023 का वो होने वाला है 3rd of November को, right? तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस तो आई थिंक प्रोवाइड हो गया होगा. जो भी ये जो एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं ये कौन सी क्लास में है. ये है क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 5th के स्टूडेंट के लिए एंड क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए. सो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्लास 9th का सिलेबस है आज हम डिस्कस करने वाले. जो 9th के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देंगे तो उसके अंदर याद रखिएगा, आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिलेबस का. सो ये जो एग्ज़ाम का सिलेबस है आज हम इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे. और कल से मैं आपकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसके अंदर हम कम से कम साइंस का तो 50% हम पढ़ लें, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं पहले तो कोशिश करूँगी कि हम इसका 100% पढ़ें. बट एक क्लास 10th का एक इतना ब्रॉड सिलेबस को हम एक बार में कर लें ये पॉसिबल नहीं है. बट मैं कोशिश करूँगी कि 2nd of November तक, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2nd of November तक कोशिश करूँगी कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ. अगर मैं नहीं कंप्लीट कर पाई तो अभी से आपको मैं सॉरी बोलती हूँ. और अगर कंप्लीट कर लिया और आपका एग्ज़ाम अगर अच्छा जाता है तो कमेंट सेक्शन में बाद में आकर के मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया. सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है, इस क्लास में हम साइंस के बारे में या फिर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते तो हम साइंस का ही टॉपिक देखने वाले कि साइंस के अंदर क्या क्या है और हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो मैं आपको बता दूँ इसे कौन देख रहा है. जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान टिहरी गढ़वाल और ये नई टिहरी उत्तराखंड, ये इसे हेल्प देख रही हैं. सो देखिए स्टूडेंट, सो जो सिलेबस हमारे पास आया है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. और ये सिलेबस मैंने कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो पढ़ते हैं, जो अपनी तैयारियां करते हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं. तो आपको यहाँ पर अभी पढ़ने में, चीज़ें समझने में टाइम लग रहा होगा, तो इसीलिए मैंने ये आज सीरीज़ तैयार करने की बात की है. और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसे कम्प्लीटली पढ़ा लूँ. सो देखिए, सबसे पहला सिलेबस में जो हमें सबसे पहला दिया गया है वो क्या है, छात्र संस्नातिक एवं संभारिक में अंतर को समझ का रख सकेंगे. इसका मतलब क्या है, आपके बीच में क्या अब बात की जा रही है, आपसे यहां पर बात की जा रही है आइसोटोप एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में. यहां पर आप जो डिस्कस करोगे वो करोगे आइसोटोप्स एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में, हम यहां पर डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, सेकेंड टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी रखते हैं. तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे. जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन ही देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्यों उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ये पूछ रहा है. उसमें बिजली का निर्माण होता है, ऐसा तो नहीं होता है. उसमें ईंधन का निर्माण होता है, उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के अपचयन से ऊर्जा निर्माण होता है. तो इसका आंसर ये है. और देखिए यहाँ पर आंसर दिया भी हुआ है. तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं. तो आप डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपको हिंट दिया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा तो आप आराम से इसे कर लेंगे. उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, छात्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझ रखते हैं वो उनमें अंतर स्पष्ट कर सकेंगे. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आता है या नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ें आपको पता है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. तो आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि उनमें अंतर स्पष्ट करने को कह रहा है. तो यानी बेसिकली आपका जो मेन टॉपिक आपने जिसमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो तीन टॉपिक जो हमने आइसोटोप्स एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में,
थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। इसके बाद देखें, अगर हम नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, छात्र पाचन तंत्र के बारे में पहचान रखते हैं, वो अंगों की पहचान की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पर बात करी जा रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता है या नहीं पता है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर होता क्या है इसके बारे में जानते नहीं जानते। एंड देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया जा सकता है, कोई फिगर आया, जैसे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं एक एग्जांपल, ऐसे फिगर आ सकता है, आपको बताना होगा कि ये कौन सा फिगर को बता रहा है। अगर आपको आपको क्या करने का करना पड़ेगा, यहाँ पर एक तो फिगर याद करने पड़ेंगे, तो जब आपको फिगर याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का तो आराम से आप इसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फोर्थ टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है छात्रों का छात्र चित्रों का चित्रों के अवलोकन की क्षमता रखते हैं, वो कलात्मकता की परख रखते हैं। यानी आपको क्या दिए जाएंगे, डायग्राम दिए जाएंगे और डायग्राम के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या शो कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है आपका उसमें ये आपका दिया गया है लाइट से रिलेटेड टॉपिक, तो आपको उसमें बताना है, तो ये चीज आपको दी गई है। उसके बाद देखिए सिक्स टॉपिक क्या कह रहा है, ध्वनि तरंग के अलग अलग गुणों जैसे आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य आदि की जानकारी प्राप्त करें कर लें, तथा वाद्य यंत्रों का अनुप्रयोग उचित ढंग से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, अगर हम यहाँ पर मेन टॉपिक देखें इसका, यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है, साउंड वेव की बात करी जा रही है। यहाँ पर जो आपका मेन टॉपिक है वो है साउंड वेव। साउंड वेव मेन टॉपिक है, जिसमें वो बात कर रहा है साउंड वेव के भी अंदर वो बात कर रहा है फ्रिक्वेंसी की एंड यहाँ पर बात की जा रही है फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात करी जा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर बात की जा रही है डायमेंशन की, एंड यहाँ पर पूछ रहा है वो आपसे डायमेंशन के अलावा जस्ट वेट वेवलेंथ के बारे में। तो मेन टॉपिक जो हमारा है यहाँ पर, हमने जो डिटेल में जिसके बारे में पढ़ना है वो है साउंड वेव के बारे में। नेक्स्ट देखें अगर हम क्या दिया गया है, तो देखिए नेक्स्ट दिया गया है चित्र के माध्यम से प्रश्न को हल करने का कौशल बढ़ेगा, पुष्प के विभिन्न भागों को पहचानने का कौशल बढ़ेगा। यहाँ पर आपको अगर हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको डायग्राम दिए जाएंगे जैसा हमने ऊपर डिस्कस की थी, और उनके फिर आपको क्या करना है, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है वो हम क्या कहेंगे, हमें दिया गया है फ्लावर के बारे में, कि आपको किसके बारे में बात पढ़ना है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगर हम एट्थ टॉपिक की बात करें, तो जो एट्थ टॉपिक है वो है धातुओं के ओ टू व अन्य ऑक्साइड से क्रिया करने के गुण को समझ पाएगा, विभिन्न संक्षारण रोधी पदार्थ का प्रयोग के कौशल का विकास होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो धातु जैसे कि यहाँ पे क्या बात करें, जो ऑक्सीजन से जो चीज रिएक्शंस होती है, जैसे कि लोहे में जंग लगना, आपने देखा होगा लोहे में जंग लगता है, उसका रीजन क्या होता है, जो लोहा होता है लोहे में जंग किसकी वजह से लगता है, जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, और एयर में क्या प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से क्या होता है उसमें जंग लगता है। तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आए इसलिए हम क्या करते हैं लोहे में क्या करते हैं पेंट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि ऑक्सीजन के थ्रू जो भी रिएक्शंस होती है हम यहाँ पर वो बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बात करनी है, ओटो रिएक्शंस के बारे में बात करनी है, जो ओटो ऑक्साइड के थ्रू रिएक्शंस होती है। जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया है लौह धातु में पेंट करने से उसका संक्षारण रुक जाता है, क्योंकि पेंट लोहे को मजबूती प्रदान करता है, पेंट से लोहे पर सूक्ष्म जीव अटैक नहीं कर पाते, पेंट में चमक के कारण पेंट लोहे से जल व ओटो के संपर्क में नहीं होने देता, तो ये ही सही है। अब देखिए इसके बाद नाइन देखें, अगर हम नाइन क्या कह रहा है, नाइन कह रहा है जैविक तथा अजैविक पदार्थों की पहचान कर पाएगा, जैविक खाद्य का निर्माण तथा उसका अनुप्रयोग का कौशल विकसित होगा। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, जैविक और अजैविक, इसका मतलब क्या है, जैविक और अजैविक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं,
जैसे कि आपके देखा होगा घर में गाय का गोबर होता है, वो किस में आया, कौन सी खाद हुई, वो ऑर्गेनिक खाद भी है इनऑर्गेनिक, तो वो कैसी खाद है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें, 10th हमें दिया गया, छात्र रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार एवं संयोजन प्रक्रिया को समझ पाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन के टाइप्स की बात करी जा रही है। जो आपने टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन टाइप, आपने केमिकल इक्वेशन के टाइप के बारे में डिस्कस करना है। एंड एंड इसमें और क्या डिस्कस करना है, टाइप्स एंड केमिकल इक्वेशन के कॉम्बिनेशन प्रोसेस के बारे में, कि केमिकल इक्वेशन में जो कॉम्बिनेशन प्रोसेस है ना, उसके बारे में पढ़ना है प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन आपका यहाँ पर टॉपिक है। 11 पे अभी हम अगर चले तो 11 क्या है, छात्र को प्रकाश के परावर्तन की जानकारी प्राप्त होगी, छात्र परावर्तन के नियम को समझ पाएगा। तो यहाँ पर परावर्तन का नियम यानी क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करी जा रही है। यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, कि यहाँ पर आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब देखो इसमें आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम फिगर देखें तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक लिया गया हम देखें तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम ये आप याद कर लीजिए कि आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, जैसे ये जो है ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ये क्या है अपवर्तन का है, ये क्या है, सॉरी ये किसका एग्जाम्पल है, ये बताना है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन की बात करी जा रही है। तो हम यहाँ पर बेसिकली मेन टॉपिक जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, आपको यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है डायग्राम दिया हो और आपको बताना हो किसका हो। अब देखिए उसके बाद 12th पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, छात्र अलैंगिक जनन के प्रकार को समझ पाएगा, छात्र द्विखंडन के जनन प्रक्रिया को समझ विकसित होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेन टॉपिक जो यहाँ पर हमारा है इस चैप्टर में, हमारा मेन टॉपिक है वो है, यहाँ पर कह रहा है अलैंगिक जनन यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए कि आखिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारा हाँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर मेन टॉपिक जो है आपका वो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, छात्र विखंडन यानी फिजन की बात करी जा रही है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है तो उसकी बात कर रहा है, फिजन की बात कर रहा है, तो उसके अंदर हम ये चीजें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया भी अमीबा का। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसके बाद देखो क्या दिया गया है, छात्र में खाद्य श्रृंखला के बारे में समझ विकसित होगी, छात्र उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कर पा सकेगा। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है फूड चेन के बारे में, आखिर फूड चेन क्या होती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर उनके बारे में आप इसके अंदर पढ़ोगे। तो जो 13 वाला टॉपिक है वो किस पे है, वो है फूड चेन पे। अगर हम अब इससे आगे बढ़ें 14 टॉपिक पे, तो 14 टॉपिक क्या कहता है, छात्र विरंजक चूर्ण के सूत्र के साथ साथ अन्य सूत्रों की पहचान आसानी से कर सके। विरंजक चूर्ण यानी ये किसकी बात कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर। और यहाँ पर ये क्या इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें है, वॉशिंग सोडा उसमें, तो उन सबको आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना पड़ेगा 14 वाले में। 15 के अगर हम बात करें तो 15 में क्या कह रहा है, छात्र अनुप्रयोग के आधार पर ओम के नियम को जान सकेंगे, वो कक्षा में अनुप्रयोगात्मक रूप से दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, ओम्स लॉ आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो उसके बाद कहा जा रहा है छात्र टिंडल प्रभाव की सामान्य जानकारी के साथ साथ विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभेद कर सकेंगे और दैनिक जीवन में टिंडल प्रभाव को समझ विकसित करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है टिंडल
टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट, अब बच्चों देखिए यहां पर आपको एक फायदा यहां पर इस टॉपिक में हो गया, क्योंकि टिंडल इफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा है, तो यहां पर आपको एक टॉपिक, अगर आपने अच्छे से इफेक्ट पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट है, क्योंकि आपके अभी 9th के सिलेबस में भी है, तो आप आराम से इस टॉपिक को कर लेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। एक टॉपिक तो आप क्रिस्टल क्लियर, अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है तो इस टॉपिक को आपको दिक्कत आएगी नहीं, एक टॉपिक आप समझ जाइए आपका पहले से है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, छात्र संलग्न आरेख की सहायता से अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे एवं सही विकल्प का चयन कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको ऐसे आरेख दिए रहेंगे, आपको उनके थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन का दिया हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आरेख दिखा दिया गया है। अब आपको उसमें क्या करना है, ऐसे आरेख को देख करके बताना है क्या बनेगा। जैसे कि एक्स एक्स किसे डिनोट करता है, ये करता है फीमेल को, और एक्स वाई किसे करता है, मेल को। तो माँ दोनों के पास यहाँ पर देखिए एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम फीमेल के पास है और एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम मेल के पास है। तो अगर एक्स क्रोमोजोम और फीमेल का एक्स और मेल का यहाँ पर एक्स अगर आपस में इनमें क्रॉस होगा तो क्या बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा यानी फीमेल बनेगी। अगर फीमेल का एक्स और मेल का वाई मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, तो यहाँ पर मेल बनेगा। वैसे ही इस तरीके से भी ऐसी होगा, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के भी टॉपिक आपको दिए जाएंगे। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें 18 की, 18 में क्या कह रहा है, छात्र अनुप्रयोगों के आधार पर अम्लों के दैनिक जीवन में उपयोगिता को की समझ को विकसित करेंगे और अन्य अम्लों की आसानी से पहचान कर सकेंगे, पीएच की अवधारणा को समझ सकेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको किसके बारे में डिस्कस करना है, एसिड के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर आप पीएच लेवल के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए लेवल किए गए आरेख को का विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालें। अब यहाँ पर आपको ये, मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर ये मिरर वाले जो टॉपिक है आपका, मिरर और लेंस, उस चैप्टर से यहाँ पर दिखाया गया है, तो वो चैप्टर भी आपका यहाँ पर आ सकता है। आपको ऐसे आरेख दिए होंगे, आपको बताना होगा। मिरर और लेंस भी आ सकता है फिजिक्स में, और भी आपका टॉपिक है जिनमें ऐसे दिए हुए होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। और वैसे आरेख वाला सिर्फ मिरर और लेंस में, तो आपको ये टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, गतिविधियों द्वारा निष्कर्ष निकालना तथा दैनिक जीवन में इसका प्रयोग। आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको कोई एक्टिविटी दी जाएगी, आपको बताना पड़ेगा ये किसके अंदर है। जैसे कि आपको ऐसा दे सकता है, वो ग्रेविटी वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा, और आपको बताना होगा आपके जो लाइफ स्टाइल है, कोई लॉ दे देगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस लॉ से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए 21 क्या कह रहा है, परिस्थितियों का अन्वेषण करना और तथ्यों को समझने के लिए उत्तर की खोज। अब आपको कोई ऐसा दे दिया जाएगा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई कंडीशंस दे दी जाएगी, और आपको उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, परिघटनाओं को समझने के लिए और उन्हें सत्यापित करने के लिए या अपने आप प्रश्नों के उत्तर खोज करने के लिए अन्वेषण। अब देखिए आपको क्या दिया जाएगी, कोई कंडीशन दी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा ये कंडीशन क्या चीज दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक हार्ट से रिलेटेड एक कंडीशन दे दी है, एक्स कंडीशन दे दिया, अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। तो मेन चीज जो आपने देखनी है यहाँ पर, आपको डायग्राम पे मेन फोकस करना है इस एग्जाम में, ये समझ लीजिए आप। देखिए 23 क्या कह रहा है, गतिविधियों द्वारा निष्कर्ष निकाल पाता है। आपको कोई एक्टिविटी दी जाएगी, आपको उससे क्या करना पड़ेगा, आगे को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सूत्र समीकरण नियम का व्युत्पन्न कर पाता है। आपको आपको कोई फॉर्मूला दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को आगे को सॉल्व करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी, तो ये भी आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, छात्र एवं छात्राएं श्वसन क्रिया के विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको जो मेन टॉपिक है वो क्या है, रिप्रो
डक्शन, आपका जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, रिप्रोडक्शन नहीं है यहाँ पर, जो मेन टॉपिक है वो आपका रेस्पिरेशन है। आई लूज माई टंग, क्या है, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो आपको यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। आपको रेस्पिरेशन की नॉलेज है या नहीं है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए रेस्पिरेशन की आपको एक टॉपिक और पता चल गया कि आपको किसके बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा मेरे यहाँ पे पेन की थोड़ी दिक्कत आ गई, तो अब मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो आप इससे समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, छात्र एवं छात्राएं कठोर जल और मृदु जल के बारे में जानेंगे। कठोर जल एवं मृदु जल, जल यानी पानी, तो यहाँ पर आप सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ना है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होते हैं। सो यहाँ पर आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, इस टॉपिक में आपको सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में पढ़ना है। तो आप देखिए उसके बाद क्या है, छात्र एवं छात्राएं संयोजी ऊतक के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको बताना है कि आखिर संयोजी ऊतक क्या होते हैं। आखिर मतलब आपको पढ़ना किसके बारे में है, संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ना है। अब देखिए संयोजी ऊतक होते क्या हैं, ऊतक आप जानते हैं टिश्यू होते हैं। अब संयोजी ऊतक कैसे किसे कहते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं जिन्हें हम जस्ट वेट बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा संयोजी ऊतक अगर हम इसे इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करें, संयोजी ऊतक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपने क्लास पढ़ लिया है 9th में ही, तो आपको 10th का ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो आपका मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर देखिए अब आपका एक और टॉपिक सॉल्व हो जाता है यहाँ पर, कि आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हुए हैं, आपके हैं ये टॉपिक, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये एक टॉपिक आपका आप समझ लीजिए सॉल्व है, क्योंकि बायो का आपका एक टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू वाला, तो वो यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाता है। आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं ना ब्लड के बारे में, बोन्स के बारे में, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, छात्र एवं छात्राएं वाष्पन के बारे में जानेंगे। अब आप जानते हैं वाष्पन किसे कहते हैं, इवेपोरेशन को कहते हैं, है ना। अब इवेपोरेशन की अगर हम बात करें, वाष्पन की बात करें, तो इवेपोरेशन भी आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है ना। तो एक टॉपिक यहाँ पर आपका वो और हो जाता है। तो यहां पर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने टॉपिक यहाँ पर पहले ही पढ़ लिया है क्लास 9th में, तो ये टॉपिक भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, छात्र मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क एवं अन्य भागों के कार्यों का बोध कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको मेन किसके बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है। मेन टॉपिक जो है वह आपका क्या है, ब्रेन है, आपको ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है छात्र आहार श्रृंखला एवं पोषण स्तर में संबंध का बोध कर पाएंगे। आपको यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है, अगर आप देखो तो आपको पढ़ना है यहाँ पर फूड चेन के बारे में। जो मेन टॉपिक है आपका वो क्या है, आखिर फूड चेन क्या होती है, फूड चेन के बारे में आप क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यानी पोषी, आप देखिए फूड चेन एंड पोषी स्तर यानी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो टॉपिक है आपका वो क्या है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एंड फूड चेन के बारे में है। पोषी स्तर यानी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ये टॉपिक भी हो जाता है।
यानी सॉरी, यहाँ पर पोषिका मतलब तो न्यूट्रिशन होता है, बट पोषी स्तर का मतलब होता है ट्रॉपिक लेवल। तो आप यहाँ पे क्या पढ़ना है, फूड चेन है ट्रॉपिक लेवल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है छात्र रक्त समूह का बोध कर पाएंगे तथा प्राप्त ज्ञान का जीवन में उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर जो आपका मेन टॉपिक है वो क्या है, ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, या ब्लड ग्रुप के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक आपको मैं बता दूँ, ये टॉपिक मेरी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में है ये टॉपिक ब्लड ग्रुप वाला। तो मैं इस जो आपकी वीडियो है, सॉरी ये जो आपका अभी क्लास चल रही है, इसी में उसका लिंक डाल दूंगी। तो आप ब्लड ग्रुप वाला वहां से पढ़ लीजिएगा, तो आपका एक टॉपिक यहीं पे कवर अप हो जाएगा मेरा। अब देखिए नेक्स्ट है प्रकीर्णन के कारण वह प्रभावों को जान पाता है। अब देखिए पहला वाला आपका क्या था, पहला वाला तो आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, तो उसका याद रखिएगा आपको कि आपको मेरे, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगी उसका वीडियो के, आप उस लिंक से पे जा करके ब्लड ग्रुप के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रकीर्णन के बारे में आपको बोल रहा है। अब देखिए प्रकीर्णन की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, स्कैटर के बारे में बात कर रहा है, प्रकीर्णन के कारण और क्या कह रहा है उसके प्रभावों के बारे में, मतलब स्क्रैटिंग के बारे में आपको बताना है, उसके क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव है, ये सब चीजें आपने बतानी है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, धातु के रासायनिक गुणों से परिचित हो जाता है। यानी आपको क्या करना है, उनकी रासायनिक गुण यानी केमिकल, जो उनका रासायनिक गुण यानी वो जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं धातु की, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं धातु की। तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या क्या है, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी मेटल की करा दूं। नेक्स्ट क्या है, जैव प्रक्रम के विभिन्न घटकों में अंतर स्पष्ट करें। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या दिया गया है, वो दिया गया है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपने किसके बारे में डिस्कस करना है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बात करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें छात्र एवं छात्रा है पुरुष व महिला महिला हार्मोन में अंतर कर पाएंगे, आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स। मैंने अपनी जो मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है उसमें मेल एंड फीमेल हार्मोन्स के बारे में डाला हुआ है, एंड शायद मैंने अपने जो ये वाला ग्रुप है इसमें भी मैंने डाला हुआ है कि हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन क्या होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मेल हार्मोन, शॉर्ट वीडियो है, अगर अगर यहाँ फेसबुक में होगी तो मैं उसका भी आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम आगे चलें, छात्र छात्राएं परासरण क्रिया का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका परासरण, यानी आपको किसके बारे में पढ़ना है कि परासरण क्रिया क्या होती है। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, परासरण क्रिया के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परासरण, परासरण क्रिया किसे कहते हैं, जस्ट वेट मैं आपको बता दूं, परासरण क्रिया क्या होती है।
परासरण प्रोसेस का मतलब है ऑस्मोसिस की बात करी जा रही है। यहाँ पर आप किसके बारे में पढ़ोगे? ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ोगे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। परासरण एंड विसरण की बात करें तो यहाँ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ोगे। वो क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है, उसकी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। अगर आपको ऑस्मोसिस पता होगी क्या है तो आप आराम से कर लेंगे। तो इस टॉपिक को भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा छात्र छात्राएं द्रव्यमान एवं भार की अवधारणा को समझ पाएंगे। अब इसके बाद आपको किसके बारे में पढ़ना है? द्रव्यमान और भार के बारे में। तो देखिए द्रव्यमान के यानी किसकी बात कर रहा है, यानी ये बात कर रहा है मास की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसके बाद देखिए द्रव्यमान भार का मतलब, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान का मतलब है मास और भार का मतलब वेट की बात करी जा रही है। चार्ज कहेंगे हम यहाँ पे, मास और चार्ज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, उसके बाद पर्यावरण एवं परितंत्र की अवधारणा, तो आपको किसके बारे में पढ़ना है? इकोसिस्टम। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको मेन ऊपर टॉपिक दिए गए हैं ना, क्लास 10th का एक चैप्टर है इकोसिस्टम, तो इन्होंने तोड़ तोड़ के दिया है। इकोसिस्टम के ही अंदर का आपने सारा पढ़ लेना है, यानी एक चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ना है, वो है इकोसिस्टम। उसके अंदर आपका कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस उसी में आ जाती है, और भी यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस, फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल, ये सारी इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसी के अंदर आ जाता है। तो वो टॉपिक भी आपका उसके अंदर हो जाता है। तो 38 वाला जो टॉपिक है वो आपको इकोसिस्टम वाला चैप्टर पूरा ही पढ़ना है, उसमें आपके बहुत सारे चैप्टर कवर अप हो जाएंगे। 39 क्या कह रहा है? पुष्प की संरचना को समझाना और पुष्पों में लैंगिक जनन को समझ पाएंगे। तो बेसिकली हम डिटेल में क्या करेंगे, फ्लावर वाला चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेंगे। उसमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर आपको पढ़ना है फ्लावर में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो ये भी काफी इजी टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो आगे है हमारा अवतल दर्पण की संरचना को समझाना, वो इससे बनने वाले प्रतिबिंबों को समझ कर तर्क देना। यानी आपको यहाँ पर मैंने जो अभी बोला था ऊपर वाले चैप्टर, ऊपर ही बोला था मिरर एंड लेंस वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हम दे डाल चुके हैं कि हमने ये पढ़ना ही पढ़ना है, हम इसे डिटेल में पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को। देन देखिए आहार श्रृंखला, तो आहार श्रृंखला देखिए ये अभी हमने देख ली है कि ये भी वही वाला जो इकोसिस्टम है ना चैप्टर, इकोसिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ये इकोसिस्टम का फुल पूरा जो पूरा का चैप्टर है वही इसके अंदर आ रहा है और कुछ नहीं है। अब देखिए 43 वाला देखें अगर हम पॉइंट, आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात की जा रही है और कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जा रहा है। रक्त की संरचना और कार्य, जहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हम ए ब्लड के बारे में डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखी है। तो आप ब्लड ब्लड के ही अंदर मैंने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, हार्ट के बारे में, इनके बारे में डिटेल में बताया। तो ये भी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में, एक जो मेरा पूरा का पूरा मैंने एक क्लास 10th का इसका चैप्टर की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जिसके अंदर ब्लड, हार्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे आराम से। जीवों में जनन विधियों की समझ विकसित होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है वो पढ़ना है आपने। तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर के ही अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे कि जो हमारा अभी दिया था इससे पहले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद देखिए छात्रों में विभिन्न प्रकार की नेत्र दोष, यानी आपको क्या है आई से रिलेटेड जो भी हम लेंसेस का उपयोग कैसे करेंगे, आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है। उसके बाद देखिए धातु के गुण धर्मों का को परिचित हो पाएगा, यानी बेसिकली आपको पता है कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगर मैं बताऊं ऊपर भी दिया गया था मेटल एंड नॉन मेटल, आप पूरा पढ़ लीजिए उसी से रिलेटेड आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल में मेरे ख्याल से मेन टॉपिक जो उन्होंने दिया हुआ है वो मेटल ही है। मेटल का अगर आप मेटल मेटल टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक मैं देख रही हूँ कि नॉन मेटल से तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन मेटल का ही टॉपिक दे रहे हैं, तो यानी आपको मेटल एंड नॉन मेटल में मेन टॉपिक जितना भी मेटल के बारे में डिटेल में है वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद आपका दृष्टि दोषों के बारे में, यानी जो आपका यहाँ पर चैप्टर्स है, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 है जो क्लास 10th का, वो पढ़ना है। उसके बाद देखिए
पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी ये भी आपका इकोसिस्टम के ही अंदर। देखिए, इकोसिस्टम से बहुत सारे टॉपिक आए हैं, तो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसे। छात्र कूड़ा प्रबंधन की जानकारी रख पाएगा, आपको कौन सा जैविक कूड़ा होता है, कौन सा अजैविक, यानी इसके बारे में पढ़ना है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये भी इसी के अंदर का है। तो आपका इकोसिस्टम देखिए कितना सारा आया हुआ है। उसके बाद देखिए, अपने पर्यावरण के बारे में जान पाएंगे। इकोसिस्टम की ही बात करा जा रहा है, यहाँ पर भी इकोसिस्टम है। छात्र जड़त्व के नियम के उपयोग के संबंध में व्यवहारिक जीवन में स्थापित कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जड़त्व का नियम है। अब देखिए, यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है, जड़त्व के नियम के बारे में, यानी इनर्टिया के बारे में पढ़ना है, जो कि आप क्लास यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इनर्टिया जो था आपका, ये आपका जिसमें आपने इनर्टिया वाला जो आपने इनर्टिया के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपने इनर्टिया के बारे में पढ़ा है, उसमें दिया गया है कि इनर्टिया क्या है। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है, इनर्टिया लॉ कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है लॉ ऑफ इनर्टिया क्या होता है। लॉ ऑफ इनर्टिया क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ये आपका क्लास 9th में हुआ है, तो ये टॉपिक भी आपका क्रिस्टल क्लियर है। उसके बाद देखिए, विभिन्न मापक यंत्रों के उपयोग के बारे में जान पाएंगे। आपको जो इलेक्ट्रोमीटर, ये बहुत सारे वो होते हैं ना मापने वाले टूल्स, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर इनके बारे में ही पढ़ लीजिए, आप इन 4 टॉपिक के बारे में भी पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पर टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण पर अम्ल और क्षार, यानी एसिड एंड बेस की बात की जा रही है। ये टॉपिक आपको, ये इससे पहले भी दिया गया था, दोबारा दिया गया है, एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ना है। एसिड एंड बेस वाला टॉपिक है। जनन के विभिन्न विधियों, यानी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर यहाँ पर दोबारा आ चुका है। तो देखिए, बहुत सारे चैप्टर बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। छात्र परिघटना के प्रायोगिक कौशल का विकास, यहाँ पर देखिए ज्यादातर जो है ना आपका, जो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ना, वही यहाँ पर आ रहे, तो सारे के सारे टॉपिक उसी से रिलेटेड है। आप देखिए, ये जो है ये एक नया टॉपिक आपका आ चुका है अभी, सेल वाला। बाकी जो अभी तक मैंने बताए हैं ना, वो इसी से पुराने ही रिलेटेड हैं, और कोई भी नए टॉपिक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, छात्र परिघटना से प्रायोगिक कौशल को कौशल विकास कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी क्या, आपको कोई पहले की कोई वो जैसे कि अभी कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे बढ़े अगर क्योंकि देखो कोई भी आपको फिनोमिना दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा ये एक फिनोमिना है, इसके अकॉर्डिंग आप बताओ क्या होगा, तो ये चीजें करनी है। छात्र विभिन्न प्रकार के सामाजिक पशुपालन के बारे में जान पाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि पशुपालन के बारे में पढ़ना है। पशुपालन यानी कैसे, जैसे कि मछली मछली को पालने को क्या कहते हैं, मुर्गी पालने को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये आपको एक अलग से टॉपिक ये पढ़ना है, पशुपालन वाला। नेक्स्ट देखिए आपको, ये देखिए मिरर वाला चैप्टर, मैंने कहा था मिरर एंड लेंस, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो चैप्टर आपने पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, छात्र मानवीकरण प्रक्रिया पर्यावरणीय होने वाले दुष्प्रभावों को समझ पाता है। अब देखिए, पर्यावरण यानी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, और ये यहाँ पर आपके पूरी की पूरी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो अगर हम देखें मेन मेन जो आपको पढ़ना है ना, एक तो आपको पढ़ना है मेटल वाला चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है, एक आपको पढ़ना है सेल। अगर आप बायो की बात करें तो बायो में तो जितने भी चैप्टर्स हैं बायो के जो आपके हैं, वो सारे के सारे चैप्टर आए हैं। चाहे वो हम बात करें रिप्रोडक्शन आया है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आया हुआ है, और दूसरा अगर हम बात करें तो जहाँ पर ट्रांसपीरेशन इनके बारे में हम पढ़ते हैं ना, लाइफ प्रोसेस वाला जो है, लाइफ प्रोसेस आपको दिया गया है, एंड एक चैप्टर यहाँ पर, ये चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे बायो से रिलेटेड। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल इक्वेशन जहाँ वाला जो चैप्टर है ना, केमिकल इक्वेशन वाला, वो आपको यहाँ पर मेनली पढ़ना है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, पहले मैं जो सीरीज लाऊंगी, मैं जो जो भी डायग्राम वाले हैं, जैसे मैं क्या करूंगी, जैसे बायो के डायग्राम है तो सारे बायो के डायग्राम ले आऊंगी, आपको पहचानना सिखा दूंगी कि क्या है, या तो फिर हम टॉपिक लेके चलेंगे। सो मैं कोश अब हम जो नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर अप कर सकूँ, जो ज्यादा चैप्टर आए हुए हैं यहाँ, टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनके, वो मैं सारे कवर अप कर सकूँ। सो बच्चों, आज तो
मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस समझा दिया है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी ये नई सीरीज. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.